प्लान ज़ापोरिज़्या डिकोड बिना ट्रिगर एटमी विस्फोट। पुतिन के माइंड में एक से एक ट्रिक सामने चल रही है। खासकर पुतिन के वॉर गेम को डिकोड करना आसान नहीं होता है। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर पुतिन का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा ही अब पुतिन करने जा रहे हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया उस वक्त कंफ्यूजन में पड़ गई जिस वक्त पुतिन की मिसाइलों ने ज़ापोरिज़्या में रिहायशी ठिकानों को टारगेट किया। लेकिन इस अटैक से ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखते हैं। तो सवाल यही है कि जब रूस ने ज़ापोरिज़्या का विलय कर उसे अपने साथ मिला लिया तो फिर उसी ज़ापोरिज़्या के रिहायशी इलाकों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक क्यों किया? क्यों ज़ापोरिज़्या में ऊंची ऊंची इमारतों को बारूदी हमले से खंडहर में तब्दील कर दिया? ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट के आसपास भी बारूद बरसाया गया। क्या ज़ापोरिज़्या पर रूस का कब्जा नहीं है? क्या न्यूक्लियर प्लांट रूस के कब्जे में नहीं है? क्या ज़ापोरिज़्या का विलय सिर्फ टैक्टिक्स था? गौर करने वाली बात यह भी है कि ज़ापोरिज़्या को टारगेट तब किया गया जब एक दिन पहले ही प्रेसिडेंट पुतिन ने ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर पूरी तरह रूसी कब्जे के लिए एक डिक्री पर साइन किया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के हेड राफेल ग्रोसी ने भी न्यूक्लियर प्लांट को यूक्रेन का ही बताया है। उन्होंने कहा है, ये वो मसला है जिसका अंतर्राष्ट्रीय कानून से लेना देना है। हम चाहते हैं कि युद्ध तुरंत बंद हो, और हाँ, IAEA का स्टैंड ये है कि ये फैसिलिटी यूक्रेन की है। राफेल ग्रोसी ने ये बात कीव के अपने दौरे पर मीडिया से बात करते हुए कही। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा कि प्लांट पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा टला नहीं है। हम लगातार कह रहे हैं कि प्लांट पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है। जिस तरह से ज़ापोरिज़्या पर हमले हो रहे हैं उससे प्लांट पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट की आशंका काफी बढ़ जाती है। और अगर ऐसा हुआ तो बिना न्यूक्लियर अटैक का दाग सिर पर लिए ही पुतिन वो कर देंगे जो पूरी दुनिया खासकर यूक्रेन यूरोप के लिए किसी प्रलय से कम साबित नहीं होगा। तो आखिर ऐसा क्या होगा? अगर पुतिन ने ज़ापोरिज़्या को टारगेट किया तो रूस को न्यूक्लियर अटैक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। न्यूक्लियर प्लांट पर अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कैसे? अब जरा ये देखिए, आप ध्यान से देखिए। आप प्लांट को नुकसान से रेडिएशन का खतरा है, फुल वॉल रखेगा, शेरनोबेल हो जाएगा, फुल वॉल। रेडिएशन हुआ तो यूरोप तक तबाही मचेगी। रेडिएशन से पोलैंड को सबसे ज्यादा खतरा है। पोलैंड ने फायर डिपार्टमेंट स्टाफ को आयोडीन पहले ही दे दिए। रेडिएशन के अलावा पावर क्राइसिस भी संभव है। ज़ापोरिज़्या यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है।